अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोम स्माइल बिजनेस में। तो फ्रेंड, ये कबूतर मैं शुरू में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई एक ही जोड़े से मैंने इतने सारे कबूतर बनाए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। क्योंकि उस डब्बे के अंदर दो बेबी पिन आपको नज़र आ रहे हैं कोने में, एक ही डब्बे के अंदर, बाकी उस डब्बे के अंदर अंडे हैं, वहाँ पर भी अंडे हैं, इसके डब्बे के अंदर भी अंडे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये अंडे, और यहाँ पर जस्ट अभी बेबी पिन निकला है, ऊपर भी अंडे बचे हैं। जो भी कबूतर है मैंने जोड़ों में अंडे लगाए हुए, सामने डब्बे के अंदर भी अंडे हैं। तो एक बाय एक जो जोड़ा जो एक ही कबूतर है नस्ल वगैरह बनाई है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, बाद में आप कमेंट्स करूँगा। इसलिए अभी मैं बताता हूँ, ये शिराजी फैंसी कबूतर है, तो इस लोट में अभी पिजन से, तो इनकी आँखों का थोड़ा मसला है, कबूतर लखे नहीं मारा था, इस वजह से इस लोट में आ गए, तो मैंने इनको नहीं निकाला। बाकी जिससे कबूतरों से मैंने पूरी ये नस्ल बनाई, एक ये मेल बैठा हुआ ये साइड में गया और इसकी फीमेल ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को पकड़ते हैं और एक बारी बारी आप दोस्तों के साथ में शेयर करता हूँ। जिनके पर पूरे होंगे उसका भी आपको शो कराऊंगा और उनकी परवाज़ कितनी है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले इनको पकड़ते हैं और शो कराते हैं। तो फ्रेंड, ये कबूतर का जोड़ा है जो फर्स्ट टाइम में देखे आया हूँ, क्योंकि मोबाइल के मुँह लगा के वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कबूतर वैसे आपको दिखने नहीं आएंगे, इसलिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये कबूतरों का जोड़ा है जिससे मैंने नस्ल वगैरह बनाई है। तो बारी बारी एक एक कबूतर पकड़ता हूँ, पहले आपको मेल का कराता हूँ, उसके बाद फीमेल का। आप देख सकते हैं फीमेल के पर कहाँ तक है, दुम से भी आगे बढ़ रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, और फीमेल मेल के हैं दुम दुम से थोड़े से छोटे हैं। फीमेल की दुम बंद है, मेल की थोड़ी खुली हुई है। तो पहले आपको मेल का शो कराता हूँ, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सॉरी, तो इसको पहले करते हैं फोकस। तो ये इसकी आई से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी छाँव में वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको उम्र का अंदाज़ा हो गया होगा। आँखों के ऊपर जो पलकी हैं बिल्कुल गोश्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ये उम्र दराज कबूतर है। तो ये ब्रीड में शुरू से देखे है क्या, दो मरतबा या तीन मरतबा इनकी मैंने परवाज़ ली थी, माशाल्लाह से काफ़ी आउट स्टैंडिंग परवाज़ कबूतर ने दी थी। तो सेम दूसरी साइड की आई से, धूप होती तो काफ़ी मज़ा आता, मगर छाँव में वीडियो क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि हाथ रुक रहा नहीं है, इसलिए आँख का फोकस आपको रिंग वगैरह वाजे नज़र आ रही है, और तिल का आप जूमिंग आउट आप देख सकते हैं। इसको छोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ, पर तो वैसे कैंच में है क्योंकि फीमेल के शायद पर है ये, क्योंकि अभी क्रीज में अभी इनको उड़ाएंगे, तो आप देख सकते दो पर है इनकी, आप कंडीशन आप देख सकते इस तरह से स्टेबल है, और बिल्कुल बगल की ये आप चाहे चौड़ाई भी चढ़ी होती है, तो ये पर अभी इनके खींचे हुए हैं, जैसे आएंगे उनको उड़ाएंगे। अभी इसको छोड़ के दिखा देता हूँ, ये कबूतर गया वहाँ पे खड़ी होनी, देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन है, अभी भी यंग लग रहा है, काफ़ी उम्र दराज कबूतर है। 6-7 साल हो गए मेरे पास कबूतर को। अभी फीमेल का आपको शो कराता हूँ, किस तरह से मस्ती में गुड़क रहा आपको नज़र आ रहा है। तो गाय ये वो फीमेल है जिसका आपको हाथ में ये फीमेल की थोड़ी दुम खुली हुई, इसकी ए वाई एक पत्ते की दुम है, क्योंकि हाथ में काफ़ी ये बुरा मना रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी आउट ऑफ ट्रेनिंग कबूतरी है। पहले ऐसे इसकी शुरू करते हैं, तो ये इसकी आइस है, रिंग वगैरह हर चाहे आँखों के रिंग वगैरह ज़रा, क्योंकि जब इसकी परवाज़ करती है तो बीच में थोड़ी वाइट और लाल जरात वगैरह नज़र आ जाते हैं, रिंग वगैरह आपको वाइट वाजे नज़र आ रहे होंगे, कोशिश करता हूँ क्लियर होने की, ये आपको नज़र आए ऊपर से आँखों के ऊपर, जिसके पंख वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखें गोश्त ही गोश्त है, क्योंकि उम्र बड़ी का कबूतर इसी तरह से अंदाज़ा कर सकती है। बाकी इसके पर आपको दिखा देता हूँ, अभी भी क्रीज में, पहले इसको सेट कर दूँ, ये हो गया सेट, अभी मैं इसके पर दिखाता हूँ, पहले फोकस कर लूँ, ये इसके पर, अभी ये क्रीज में पर पिटाई हुई है, तो कबूतरी क्रीज में, तो परों आप देख के अंदाज़ा लगा, कबूतर इस तरह से कोई भी पर आपको खोल के नहीं दिखाएगा, इसी तरह से फुल मैंने खोल दिया, बिल्कुल इस तरह से खोल, इस तरह से नहीं, कबूतर जैसे उड़ेगा इसी तरह उड़ेगा, बिल्कुल पर स्टेबल है। अभी दोनों तरफ सेम है, ये इसकी दुम है, आपको नहीं बताया था बंद दूंगी फीमेल है, तो पहले इसको छोड़ते हैं। तो ये भाई चली गई ऊपर, स्टैंडिंग पोजीशन देख सकते हैं, काफ़ी आउट स्टैंडिंग है, ये आप देख सकते हैं,
तो एक बेबी पिजन उठाते हैं उसका भी आपको मैं शो करा देता हूँ, क्योंकि मेल के पैर कटे हुए हैं, उसके काफ़ी पर आ चुके हैं, मगर बीच में अभी भी उनके परों में खून वगैरह है। तो अभी फीमेल पकड़ते हैं और बेबी पिजन पकड़ते हैं उसका भी आपको शो कराता हूँ। ये लिए दोस्तों ये बेबी पिजन, क्योंकि इसके गले का मसला भी चल रहा है, इस वजह से आप देख सके काफ़ी हद तक ये सोखड़े में चला गया, दाना वगैरह नहीं खा रहा था। अभी इनकी ट्रीटमेंट की तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन हो गया। तो पहले इसकी आयस शुरू करते हैं, ये इसकी आयस आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, मेल की आँखों भी गए हैं और इसके पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी बेबी पिजन छोटा है, अभी इनकी परवाज़ नहीं, पर आप देख सकते हैं बिल्कुल दुम तक है, और अभी ये परवाज़ भी नहीं मार रहा है, आप देख सकते हैं परों की लेंथ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन चल रही है। अभी ये पर दूसरे लाएगा तो काफ़ी आउटर ट्रेनिंग हो जाएगा, और अभी छोड़ देते हैं काफ़ी जो ये आप देख सकते, अभी भी काफ़ी छोटा है तो खड़ी हो नहीं, देखिए काफ़ी आउटर स्टैंडिंग है। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब, हाथ बेल आइकन प्रेस करना, और अपना सारा ख्याल रखिए, दुआ में रखा, तब तक अल्लाह हाफिज़।